हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग और कोई देश के बारे में नहीं जानेंगे, बल्कि इस वीडियो में हम अपने देश भारत के बारे में कुछ अमेजिंग बातें जानेंगे जो भारत में रहने के बावजूद बहुत सारे लोगों को पता नहीं होती है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, ये बात तो सारे लोगों को पता ही है कि भारत को हिंदुस्तान के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है और भारत की पहचान अनेकता में एकता ही भारत की पहचान। दोस्तों, दूसरी ओर भारत को विविधताओं का देश भी कहा जाता है। दोस्तों, पूरे साल के 12 महीनों में अलग अलग धर्मों के त्योहारों का और उत्सवों का भरपूर आनंद लिया जा सकता है। दोस्तों, भारत देश की संस्कृति पूरे दुनिया भर में प्रसिद्ध है। इस मिट्टी में बड़े बड़े महापुरुषों ने जन्म लिया है। दोस्तों, जहां पश्चिम की दिशाओं से पूर्व की दिशाओं तक फैला हुआ विशालकाय खूबसूरत पहाड़ों की श्रृंखला मौजूद है, वहीं दूसरी तरफ अलग अलग रहस्यमय मंदिर और धार्मिक स्थल मौजूद हैं, जिसके भक्ति में लीन होकर कई सारे विदेशी पर्यटक इस देश में आने के बाद भारत के ही निवासी बन गए। दोस्तों, पूर्व की दिशाओं से लेकर पश्चिम की दिशाओं तक फैली विशालकाय समुद्र की लहरों में खेलते गोते लगाते हुए लोग, और साथ ही इस देश की रेगिस्तान तो वहीं इस देश की पहाड़ी क्षेत्र। दोस्तों, इसके अलावा भी यहाँ पर हर तरह के मौसम का भरपूर आनंद लिया जा सकता है, जिसमें कभी ठंड के मौसम तो कभी गर्मी का मौसम, या फिर बरसात का मौसम, या फिर ठंडे बर्फीली का। यही सब बातें भारत को दूसरे देशों के मुकाबले काफी अलग बनाता है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको भारत के नागरिक होने पर बहुत गर्व होगा। दोस्तों, अगर बात करें भारत की पूरी पॉपुलेशन के बारे में तो लगभग 136 करोड़ की आबादी इस देश में अपना जीवन बिताती है, और इसके साथ ही भारत का पॉपुलेशन का रफ्तार बढ़ते ही जा रहा है, जो आप इस ग्राफ में देखकर समझ सकते हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि पूरी दुनिया में पॉपुलेशन के मामले में चाइना का नंबर सबसे पहले आता है, जो 139 करोड़ के आसपास है, और कुछ ही साल में भारत आने वाले समय में पहले स्थान पर होगा। दोस्तों, अगर बात करें इस देश के पूरे क्षेत्रफल के बारे में तो भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,000 स्क्वायर किलोमीटर की एरिया में फैला हुआ है, जो एरिया के मुताबिक पूरे वर्ल्ड में सातवें स्थान पर आने वाला सबसे बड़ा देश है। दोस्तों, इस देश में 122 प्रकार के भाषाओं का इस्तेमाल किया जाता है, जो भारत की आधिकारिक भाषा हिंदी को बनाया गया है, और दूसरा सबसे ज्यादा बोले जाने वाली भाषा इंग्लिश है। दोस्तों, भारत पूरे दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, जिसमें से यहाँ पर 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। दोस्तों, शायद ये बात सारे लोगों को पता ना हो कि भारत एक समय में पूरे 200 सालों तक अंग्रेजों का गुलाम हुआ करता था, लेकिन उसके बाद 15 अगस्त 1947 ईस्वी को भारत आजादी हासिल किया था। लेकिन दोस्तों, क्या आपको ये बात पता है कि स्वतंत्र भारत का पहला तिरंगा 30 दिसंबर साल 1943 ईस्वी में पहली बार अंडमान निकोबार के द्वीप में फहराया गया था। दोस्तों, भारत पूरे दुनिया का चौथा वो देश है जो अपनी सेनाओं पर सबसे ज्यादा पैसे खर्च करता है। दोस्तों, इसके साथ ही भारत पूरे दुनिया का एक ऐसा देश है जिसने आज तक कभी भी किसी भी देश पर पहले हमला नहीं किया, जबकि भारत पूरे दुनिया में हथियारों का सबसे बड़ा खरीदार है। दोस्तों, इंडिया एकमात्र ऐसा देश है जहां पर मिलने वाली हर एक सामान के पीछे MRP लिखा हुआ होता है, जिसे मैक्सिमम रिटेल प्राइस भी कहा जाता है। दोस्तों, भारत पूरे वर्ल्ड की अमीरी की लिस्टों में छठे स्थान पर आता है, जिसकी कुल संपत्ति 8,230 अरब डॉलर है। दोस्तों, जब अमीरों की बात चल ही रही है तो मैं आपको बता दूं कि इंडिया में टोटल 95 अरबपति लोग अपना जीवन बिताते हैं। दोस्तों, अगर बात करें भारत की रेलवे नेटवर्क के बारे में तो भारतीय रेल पूरे एशिया का सबसे बड़ा और पूरे वर्ल्ड का दूसरा सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क है। दोस्तों, भारत देश में पूरे दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक मेला लगता है, जिसे कुंभ मेला के नाम से पूरी दुनिया जानती है। 12 सालों के बाद हरिद्वार, प्रयागराज, नासिक और उज्जैन में इस मेला का आयोजन किया जाता है, जिसमें करोड़ों की तादाद में लोग और बाहर से आए हुए पर्यटक शामिल होते हैं। दोस्तों, भारत के वाराणसी शहर सबसे पुराने और पवित्र शहरों में से एक है, जो गंगा नदी के किनारे स्थित है। दोस्तों, ताजमहल का नाम हर बच्चा से लेकर बूढ़ा तक सभी ने सुना ही है। इस ताजमहल को दुनिया के 7 अजूबों में से एक माना जाता है, जिसे मुगल के शासक शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज की याद में बनाया था। दोस्तों, तलाक के बारे में तो सारे लोग बखूबी जानते होंगे, जो बाकी के अन्य देशों में कई सारे लोगों के शादी के कुछ ही सालों के बाद पति पत्नी के बीच तलाक हो जाता है, लेकिन भारत देश में 100 शादियों में से मात्र एक ही तलाक हो पाती है। दोस्तों, जिस सड़क के माध्यम से आप कहीं भी जाते हैं तो इस सड़क के मामलों में भारत पूरे दुनिया में अमेरिका के बाद दूसरा ऐसा देश है जहां 47 लाख किलोमीटर तक फैला सड़कों का विशालकाय नेटवर्क है। दोस्तों, हम सभी तो मूवीज जरूर देखते हैं, तो ये
बात आपको पता होनी चाहिए कि भारत में ही सबसे ज्यादा फिल्में बनाई जाती है। दोस्तों इंडिया की फिल्म इंडस्ट्री दुनिया की सबसे बड़ी फिल्म इंडस्ट्री में से एक है। दोस्तों इंडिया को गोल्ड खरीदने के मामलों में बाकी देशों के मामलों में सबसे आगे है, क्योंकि सोने को भारतीय संस्कृति का सबसे बहुमूल्य अंग माना जाता है, जिसका उपयोग अपने संपत्ति या फिर किसी व्यक्ति को उपहार के तौर पर या फिर शादियों जैसे समारोह में किया जाता है। दोस्तों भारत पूरे दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जिसने मंगल ग्रह पर पहली ही बार में अपना सैटेलाइट पहुंचाने में कामयाबी हासिल की थी। दोस्तों भारत के मेघालय में स्थित मौसिमरन वो जगह है जहां पर पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा बारिश होती है। इसके अलावा पहली बार चांद पर पानी की खोज भारत के ही द्वारा किया गया था। दोस्तों जहां हमारे देश में शुद्ध चीनी का उपयोग अनेकों जगह पर किया जाता है, वहीं भारत ने पूरी दुनिया को शुद्ध चीनी को बनाने का तरीका बताया था। दोस्तों अगर बात करें इंडिया की कैपिटल के बारे में, तो इस देश की राजधानी नई दिल्ली को बनाया गया है, जो पॉपुलेशन के मामलों में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। और भारत जितना बड़ा धार्मिक देश है, उतने ही ज्यादा यहाँ पर धार्मिक स्थल पाए जाते हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार यहाँ पर 10 लाख से भी ज्यादा मंदिर हैं, जिसमें तो 100 मंदिर ऐसे हैं जिनका चढ़ावा भारत के हर साल के बजट से भी ज्यादा होता है। तो दोस्तों ये थी भारत देश से जुड़ी कुछ अमेजिंग बातें। दोस्तों अगर आपको भारत देश की ये हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिएगा, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही नीचे बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दें। फिर मिलते हैं अगले इंटरेस्टिंग वीडियो को लेकर, तब तक के लिए बाय बाय।